नमस्कार, रेसिपी हल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक तवा मसाला जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा, तीखा, मीठा और स्पाइसी बनता है। लेकिन इसे बनाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास दी हुई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो एक तवा मसाला बनाने के लिए पहले हम एक तवा लेंगे, नॉनस्टिक या फिर लोहे का तवा, आपको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और उस पर हम थोड़े से तेल लेंगे। हमने 6 अंडा लिया है जिसे हमने उबाल कर इस तरह दो दो टुकड़ों में काट लिया है। देखिए, तेल गर्म हो जाने के पर इस तरह हम अंडे को उल्टा करके डालते जाएंगे। एक एक करके सारे अंडे को हम फ्राई करेंगे। और जब ये थोड़ा सा पक जाए हम पलट लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ब्राउन कलर के हो चुके हैं ये। और जब आप अंडा फ्राई करें तब थोड़े से केयरफुली कीजिए, वरना ये चटक सकते हैं। इस तरह हम एक एक करके एक किनारा कर लेंगे सारे अंडे को। जब तक एक तरफ पक रहा है, हम बचे हुए तेल में इसका मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हमने चॉप किए हुए ग्रीन चिली लिए हैं, मुट्ठी भर प्याज लिया है फाइन चॉप करके, एक टमाटर लेंगे और इसे अच्छी तरह कुक करेंगे। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को अच्छी तरह तेल में हम कुक कर लेंगे। तब हम इसमें एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो अदरक और लहसुन को कूट कर भी ले सकते हैं या फिर ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ी देर तेल में हम पका लेंगे। और जब मसाला सारे कुक हो जाए तब हम सारे अंडे को इसमें मसालों के साथ पकाएंगे। और अंडा जो है दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे मसालों के साथ पकाएंगे। और इसमें अब स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़े से लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। अंडा हमारा ऑलरेडी फ्राई हो चुका है, बस मसालों के साथ इसे थोड़ी देर पकाना है ताकि मसाले जो है इसमें लटपट हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मिलाएंगे ताकि थोड़ा सा चटपटा बने। और थोड़ा सा चिकन मसाला डाला है हमने। और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़े से काली मिर्च पाउडर डाला है। ताकि इसका स्वाद जो है थोड़ा और अच्छा हो जाए। अब हम इसमें थोड़े से हरा धनिया डालेंगे और थोड़े से नींबू डाला है हमने और थोड़े से टमाटो सॉस डाला है। नींबू बिल्कुल हमने 1 टीस्पून डाला है ताकि ये थोड़ा चटपटा बने। और थोड़े से टमाटो सॉस डाला है। आप एक बार अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बनाइए, खाइए और अपना कमेंट हमें ज़रूर शेयर करें।